press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये चकली की रेसिपी लाई हूं, जी हां, जो कि बहुत ही झटपट कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और इंस्टेंटली बन जाती है। देखिए, पहले इसका टेक्सचर देखिए, आप देखिए कितनी करारी है, आवाज सुनी आपने? जी हाँ, ये चकली हम बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चकली सिर्फ मैंने आधे कप सूजी से बनाई है, जी हाँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही जल्दी, तो बिल्कुल ऐसी चकली बनाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर की है। चकली को किस टेम्परेचर पे अच्छी तरह से तलना है वो बताया है। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं ये बढ़िया सी क्रिस्पी सी चकली। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने। इसमें मैं डाल रही हूँ ये एक कप पानी। मैंने इसी मेजरिंग बाउल से सारे मेजर लिए हैं, तो आप भी एक मेजरिंग बाउल फिक्स कर लें और उस हिसाब से आप उसमें मेजर करके सारी रेसिपी बना सकते हैं। अब इस पानी को हम गर्म होने देंगे। पानी गर्म होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून बटर और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे चारों तरफ ताकि बटर अच्छी तरह से पिघल जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। इसमें एक चम्मच मैं डाल रही हूँ जीरा, एक चौथाई चम्मच मैं डाल रही हूँ अजवाइन, उसे इस तरह से क्रश करके हम डालेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के मैं बॉईल कर लूंगी। इसमें अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी, ये बारीक सूजी ली है मैंने, मिला लेंगे अच्छी तरह से। सूजी को अच्छी तरह से इस पानी में मिलाना है हमें, कोई गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसे मसलते हुए हम इसे पूरे पानी में मिला लेंगे, सूजी सारा पानी सोख कर लेगी। ये देखिए, सूजी का एक अच्छा सा घोल बन गया है, जैसे हम हलवा बनाते हैं बिल्कुल वैसा हो गया है। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए, हमने इस मिक्सचर को इस परात में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये तिल, ये करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं और इसे मिला लेंगे तिल के साथ। अब ये काफी गर्म है, इस वक्त मैं इसमें डालूंगी ये 1 कप चावल का आटा। जी हाँ, इसे मिला लेंगे इस मिक्सचर के साथ। ये चावल का आटा डाल के हम इसे, क्योंकि ये गर्म है तो पहले हम इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से इस सूजी के मिक्सचर के साथ मिला लेंगे, जब तक कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सके। देखिए इस तरह से हमें इसे मिला लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि इस वक्त ये काफी गर्म होता है दोस्तों, तो हाथ जल सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हमने आटे को मिक्स कर लिया है, लेकिन हम मसल मसल के आटा गूंद लेंगे इस तरह से, क्योंकि पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसी सूजी के मिक्सचर में आटे को गूंदने की कोशिश करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा कुनकुना पानी इसमें ऐड करेंगे। ये इस वक्त भी गर्म है, लेकिन इतना गर्म है कि हमारे हाथ इसे सह सके। देखिए इस तरह से हम मसल के इसका आटा तैयार करेंगे। और जो आटा हमने गूंदना है वो ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए, वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि जब हम चकलियां बनाएं तो हमारी चकलियां टूटे नहीं। अगर ज्यादा हार्ड हुआ तो चकलियां टूटेंगी, और अगर ज्यादा सॉफ्ट हुआ तो भी चकलियां बराबर एज चिपकेंगे नहीं और टूट सकती हैं। अब इतना हमने इसे मिला लिया, अब हम इसमें थोड़ा सा कुनकुना पानी डाल डाल के इसे गूंद लेंगे। सबसे पहले थोड़ा कुनकुना पानी डाल रही हूं मैं,
करीब 2 से 3 टेबलस्पून और इसे गूंद लेंगे। अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसे गूंदना है ताकि सारा चावल का आटा और सूजी मिक्सचर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने ये आटा तैयार कर लिया है, ना ही ये ज्यादा सख्त है ना ही ये ज्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हम आटे पे ताकि ये चिपचिपा ना लगे। तेल के हाथ से हम इसे और थोड़ा सा मसल लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया आटा बन गया है। इस तरह से मसलते हुए हमने इसे रेडी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये ना ही ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही हार्ड है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम हमारी चकरियां बना लेते हैं। मैंने ले ली है यहाँ पे ये चकरी की जो प्लेट आती है चकरी मेकर की, स्टार शेप की। इस तरह से मैं इसे फिट कर दूंगी। ये चकरी मेकर है हमारे पास और अब हम इसमें आटा फिल करेंगे। ये इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे चकरी मेकर में और अब थोड़ा सा आटा लेके इसे मसलते हुए हम एक सिलेंड्रिकल आटे का शेप दे देंगे और इसे फिल कर देंगे। इसमें ऊपर तक अच्छी तरह से दबाते हुए फिल करना है। देखिए इस तरह से, और अब हम इसे पैक कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पैक करना है। देखिए और अब हमने यहाँ एक थाली ले ली है, इसमें हम चकली बना लेंगे। अच्छी तरह से पैक करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें चकली बनानी है। पहले जो ये है एजेस को ज्वाइन करना है और गोल गोल घुमाते हुए हम चकलियां तैयार कर लेंगे। आपको जिस साइज की चकली रखनी हो आप उस साइज की बनाएं और इस तरह से हम जो आखिर का इसका छोर होता है उसे अच्छी तरह से दबा के आप चिपका दें, नहीं तो चकलियां तेल में टूट सकती है। एक और बना लेते हैं। इस तरह से घुमाते हुए इसे हम बना लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसी तरह से हम चकलियां तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ तेल गरम होने रख दिया है, चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, ये धीरे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है चकली तलने के लिए। अगर ये तेजी से ये टुकड़ा आटे का अगर ऊपर आ जाता तो इसका मतलब तेल काफी ज्यादा गर्म है। तो उस बेसिस पे आपको गैस की फ्लेम जो है थोड़ी कम रखनी है क्योंकि एकदम तेज आंच पे चकलियां नहीं तली जाती। अब हम धीरे धीरे अपनी चकलियां जो है फ्राई करने के लिए डाल देंगे। चकली तलते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो तेल है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेम जो है वो लो और मीडियम पे होना चाहिए, नहीं तो चकलियां बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक चकलियां डालने पर आप ये बुलबुले देख रहे हैं ये जब तक हल्के शांत नहीं होते तब तक हम चकलियों को पलटेंगे नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि तेल में उतनी ही चकलियां डालें कढ़ाई में जितनी आती हो। अब हमने ये चकलियां डाल दी है, अब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और अब हम इन्हें तब पलटेंगे जब ये बुलबुले जो है वो थोड़े से कम हो जाए। ये देखिए एक तरफ से चकलियां ये ऊपर आ गई हैं और बुलबुले कम हो गए, एक तरफ से ये काफी हद तक गोल्डन हो गई है। अब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। चकलियों को हमें बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ से भी हम इन्हें तल लेंगे। ये देखिए हमारी चकलियां दोनों तरफ से तल गई हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और दूसरी चकलियां जो है वो तल लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है चकलियों का, प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। हम और चकलियां तेल में डाल देते हैं। गैस को हमने लो मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। देखिए इस तरह से जब ये बुलबुले सारे हट जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। अब ये एक तरफ से ऊपर आ गई हैं, बुलबुले कम हो गए, अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमारी चकलियों का दूसरा बैच भी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारा रंग आया है, बिल्कुल क्रिस्प लग रही है। अब इन्हें भी हम तेल से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से एब्जॉर्बेंट पेपर पे इन्हें भी निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम जो है सारी चकलियां तल के रेडी कर लेते हैं। एकदम प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी बढ़िया सी चकली बनके बिल्कुल तैयार है, जो इतने कम इंग्रेडिएंट्स में काफी जल्दी और झटपट बन जाती है और काफी क्रिस्पी है। देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।